कुछ नहीं होगा अम्मा, तो तू क्यों इसकी फिक्र करती है? और मैं हूं ना अस्पताल, इसी बात की तो तसल्ली है मुझे कि तू है। मुझे पता है कि तू रानी को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। मेरा क्या, अरे मेरे ऊपर तो बुढ़ापा आ गया है, बस आखिरी सांस चल कभी भी खत्म हो जाएंगे तो मैं तो चल दूंगी। उठ पुत्र, तू मेरे साथ वादा कर कि जब रानी दुनिया की ठोकरों से लहू लुहान होके अपने घर वापस आएगी तो तू उसे संभाल लेगा, तू उसे अपने सीने से लगा। ओए अम्मा, वो तो पागल हो गई है। मैं तुझसे वादा करता हूं कि रानी के एक एक ख्वाब, एक एक ख्वाहिश को मैं चेहरा दूंगा। उसके एक एक गम, एक एक जख्म, एक एक आंसू को मैं अपनी पलकों में उठा लूंगा। मैं इस बच्ची की कसम खा के कहता हूं, मैं कभी तत्ती ने वाक को भी इसको छूने नहीं दूंगा। तेरी बड़ी मेहरबानी पुत्र, तेरी बड़ी मेहरबानी। जमीला, नी नी जमीला किथे मर गई? नी जमीला इधर मर, की कर रही है? की कर रही है इधर मर? साहब किथे? अपने कमरे में है, और कहाँ होंगे? ले दफ्तर नहीं गए? दफ्तर गई कब थे? क्या मतलब? मतलब ये कि साहब ना रात से अपने कमरे में बंद है, दूजे दिन की शाम हो गई है, अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले, अपने कमरे में बंद है अपनी नई बॉटी के साथ। ते खाना पीना? खाने पीने का क्या, दरवाजा खटखटाते हैं, मैं भी जाके खाना दे आती हूँ। हाँ अच्छा, बेगम साहबा, वैसे एक बात माननी पड़ेगी, बॉटी है बड़ी सोनी। कमबख्त मारी, गिरगिट की तरह रंग बदलती। मैंने कहां पर अपना रंग बदला? मैं तो उसका नया नक्शा बता रही थी। नया नक्शा? कमबख्त मारी, चंगी तरह जाननी तेन, दो रुपए तेली ते रखते ना ते सिर ते बिठा लेना तू शहजादी बना के। नहीं 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 बेगम साहबा, ऐसी बात कोई नहीं, कहां आप कहां वो। हां ठीक कह रही हूं बेगम साहबा, मैं देखिए मैं आपके बारे में कुछ बात कर सकती हूं। कसम अल्लाह पाक की, अपने चेहरे पे लाली पाउडर ना लगाए, चमगादड़ जैसी लगे बिल्कुल। चल चमगादड़, दफा हो, ए चुक हुक्का, ताजा करके ले आ जा, दफा हो जाके। बेगम साहबा नाराज तो ना होना, देखे मैं तो आपकी नकरानी हूँ, माफ कर देना। जा दफा हो, हुक्का लेके जा। अच्छा। जा। लाली पाउडर चमगादड़, बड़ी लंबी जुबान कुड़ी दी बोले जाती है। रानी, उठना नहीं है? नहीं रानी, दो दिन हो गए हैं इस कमरे में बंद हुए हुए, घर घर में बातें हो रही हैं हमारे बारे में। वो कैसे? तुझे बताया भी है रानी कि ये गांव है, तहसील है, यहाँ बातें छुपी नहीं रहती एक दूसरे के साथ, और इस किस्म की बातें तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा
मुझे ना ऑफिस जाने दे, वरना मेरी सीट गई। ठीक है, आप जाइए, जल्दी आ जाइएगा। तो ये किसका फोन आ गया? हेलो चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? चाचा महफूज अपना बयान बदल रहा है, वादा खिलाफी कर रहा है। क्यों, की कहता? उसके हमारे बीच जो सौदा हुआ था वो उसे मुकर रहा है। अच्छा, लगता है इस रामजादे की शामत आई है। इसने मुझसे दो का वादा किया था, इसको दो ही देने पड़ेंगे, समझ आई ना? वरना गाड़ दूंगा इसको उसी रेलवे लाइन में जहां की ये बातें कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखा हूँ। हाँ ठीक है चाचा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक। जनाब महफूज साहब गैर महफूज हो गए हैं। दो का मतलब 2 लाख? और नहीं नहीं, दो का मतलब 2 करोड़। 2 करोड़ वो किस लिए? तहसील में रेलवे लाइन लाने के लिए मेरा कमीशन। हमारे तहसील में रेलवे लाइन लगेगी? हाँ रानी, इस तहसील को मैं पूरे मुल्क के साथ, पूरे पाकिस्तान के साथ मिला रहा हूँ। बड़ी तरक्की होगी। पर ये जो ठेकेदार है ना, ये ठेकेदार बहुत ज़्यादा होशियारी कर रहा है। इसको ये नहीं पता कि इसकी होशियारी जो है ना, निकाल के इसके हाथ में दे दूंगा मैं। अच्छा बात सुन, हैं मेरी जान रानी, थोड़ी देर के लिए मुझे अपने ऑफिस को आने दे, सारे वोट मर जाएंगे मेरे। हाँ मैं भी चलूँ ना। किधर चलूँ? आपके साथ। पागल हो गई, हर जगह ले लेके घूमूंगा मैं तुझे। नहीं नहीं, अरे फिर ला जाना ना। नहीं जाना जा। अरे मैं भी नहीं जाना। और छोड़ ना जा, क्या करेगी यार। I'm being